जिससे पहली पिक्चर है रैबिट तो रैबिट की शेडो या शेप कौन सी है ए या बी तो रैबिट की शेप या शेडो हम कह सकते हैं ए नंबर पर है नाउ सेकेंड पिक्चर इज ऑफ मैंगो मैंगो को हम मैच करेंगे नंबर ए से नंबर थ्री एंड नंबर फोर यू विल डू योर सेल्फ नाउ वी विल लर्न अबाउट सन सन क्या है सन को हम कहते हैं सूरज द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस एंड फायर सन क्या है एक बहुत बड़ी बॉल है किसकी बर्निंग गैसेस और फायर की आग का एक बहुत बड़ा गोला है वी सी द सन शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई ड्यूरिंग द डे सन को हम चमकते हुए कब देखते हैं दिन के समय द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट सूरज हमें रोशनी देता है और गर्मा ही देता है द सन मेक्स लाइफ पॉसिबल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ सूरज सभी लिविंग थिंग्स के जीवन को पॉसिबल बनाता है कहाँ पर अर्थ धरती पर द सन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस फॉर द फॉलोइंग रीजन सूरज हमारे लिए क्यों जरूरी है इट गिव्स अस लाइट टू रीड वो हमें रोशनी देता है पढ़ने के लिए अगर कमरे में अंधेरा हो तो क्या आप पढ़ पाएंगे नहीं उसके लिए आपको रोशनी की आवश्यकता है इट ड्राइज द क्लॉथ कपड़ों को सुखाने के लिए हमें सूर्य की आवश्यकता है इट हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो सूरज पौधों को उगने में उनकी मदद करता है इट इवेपोरेट द वॉटर वो क्या करता है पानी को इवेपोरेट करता है कौन सूर्य द सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस वी कैन नॉट लिव विदाउट द सन सूर्य हमारे लिए बहुत जरूरी है हम सूरज के बिना जीवित नहीं रह सकते इट इज हेल्पफुल टू अस इन न्यूमरेबल वे वो बहुत तरीके से हमारे लिए उपयोगी है द हीट ऑफ द सन ड्राइज वेट लेक रिवर्स क्लॉथेट्रा सूरज की रोशनी से गीले कपड़े सूखते हैं इट हेल्प टू रिपिट फ्रूट आमों को या किसी भी फल को पकने में सूर्य मदद करता है द सन इज वेरी बिग बट इट लुक्स वेरी स्मॉल बिकॉज इट इज वेरी फार फ्रॉम अस सूरज वैसे तो बहुत बड़ा होता है लेकिन हमें वो बहुत छोटा दिखता है क्यों क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है इफ़ देयर was नो सन द अर्थ वुड हैव बीन अ वेरी कोल्ड एंड डार्क प्लेस अगर सूरज नहीं होगा तो धरती कैसी होगी ठंडी और डार्क अंधेरे में होगी सूरज हमें रोशनी देता है अगर सूर्य ही नहीं होगा तो हमें रोशनी नहीं मिलेगी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा There वुड हैव नो लाइफ ऑन दर्थ एट ऑल अगर सूर्य नहीं होगा तो धरती पर कोई भी जीवन संभव नहीं है ना अबाउट शेडो अब हम परछाई के बारे में पढ़ेंगे वेन बी स्टैल्ट इन द सन वी सी आर डार्क शेप सिमिलर टू आर बॉडी ऑन द ग्राउंड जब आप सूर्य की रोशनी में खड़े होते हैं तो आप क्या देखते हैं अपने जैसी एक काली शेप देखते हैं जिसे हम परछाई कहते हैं दिस डार्क शेप इज कॉल्डोडोसर ऑल्सो फॉर्म दिस अदर सोर्सेज ऑफ लाइट शेडो शेडो मतलब परछाई परछाई कैसे बनती है और भी तरह से बनती है और भी लाइट से बनती है अगर आप कहीं रोड पर जा रहे हैं ठीक है स्ट्रीट लाइट जली हुई है आप उसके नीचे खड़े होइए तो आप क्या देखेंगे अपनी शेडो को देख पाएंगे वेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट अ शेडो इज फॉर्म अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा कहीं से रोशनी आ रही है उसको ब्लॉक करेगा रोकेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगी शेडो उस ऑब्जेक्ट की शेडो बन जाएगी लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन रोशनी सीधी दिशा में चलती इट कैन नॉट पास थ्रो मैनी ऑब्जेक्ट वो किसी भी ऑब्जेक्ट से आर पार नहीं हो सकते हमें कहां देखने को मिलती है? जमीन पर, मैदान पर या फिर कहीं स्क्रीन पर नाउ टाइम टू टेस्ट योर स्किल राइट वन वर्ड फॉर वी नीड दिस टू सी थिंग्स चीजों को देखने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है किसकी सन की एस यू एन सन डार्क पैच फॉर्म वेन लाइट डज नॉट पास थ्रो समथिंग जब किसी चीज से रोशनी आर पार नहीं होती तो डार्क क्या चीज बनती है वो बनती है शेडो एस एच ए डी ओ डब्ल्यू शेडो नंबर थ्री एंड फोर यू विल डू बायर सेल्फ Now we will learn about length of shadow. अब हम परछाई की लेंथ के बारे में पढ़ेंगे Go out in the sun in the morning. आप सूरज की रोशनी में सुबह के समय बाहर जाइए Observe your shadow. अपनी शेडो को ऑब्जर्व करिए देखिए You will see that your shadow is long. आप क्या देखेंगे कि आपकी परछाई क्या है लॉन्ग बड़ी है गो आउट अगेन इन द आफ्टरनून अब आप दोपहर के समय बाहर जाइए आप क्या देखेंगे योर शेडो इज शॉर्टर इट वॉज इन द मॉर्निंग सुबह के अपेक्षा आपकी शेडो क्या होगी छोटी होगी कब आफ्टरनून में दोपहर के समय ऑब्जर्व योर शेडो अगेन इन द इवनिंग आप शाम को फिर ऑब्जर्व करिए अपनी शेडो को योर शेडो इज लॉन्ग अगेन फिर आपकी शेडो क्या हो गई बड़ी हो गई तो हम इससे यह समझते हैं कि मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग के टाइम हमारी शेडो बड़ी होती है और आफ्टरनून के टाइम हमारी शेडो छोटी होती है नाउ टाइम टू गो इन फ्लैश चलिए जल्दी से फ्लैश में चलते हैं द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट सूर्य हमें रोशनी और गर्मा ही देता है द सन नेवर चेंजेस इट शेप सूर्य कभी भी अपनी शेप चेंज नहीं करता वेन लाइट कैन नॉट पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट अ शेडो इज फॉर्म द लेंथ ऑफ द शेडो इज शॉर्ट एट नूट एंड लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग दोपहर के समय हमारी शेडो छोटी होती है मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम वो बड़ी होती है नाउ ऑन द बेस ऑफ आर लेसन वी विल डू सम एक्सरसाइज एक्सरसाइज वन टिक द करेक्ट ऑप्शन सही ऑप्शन पर टिक का निशान लगाइए द सन गिव्स अस सूर्य हमें क्या देता है लाइट वॉच आइज या डस्ट सूरज हमें लाइट देता है नंबर टू द हीट ऑफ द सन हेल्प्स टू रिपेन सूरज की रोशनी से क्या पकता है क्लॉथ फ्रूट वाटर या बर्ड्स सूरज की रोशनी से फ्रूट्स पकते हैं एट नून आर शेडो इज दोपहर के समय हमारी शेडो कैसी होती है लॉन्ग रेड शॉर्ट या कलरफुल जल्दी बताइए यस यू आर राइट हमारी शेडो शॉर्ट होती है नंबर फोर सन इज अ बिग बॉल ऑफ सूरज एक बड़ी गेंद है किसकी फायर सैंड वाटर या आइस सूरज आग की एक बड़ी गेंद है नाउ एक्सरसाइज आपको खाली स्थान भरने हैं। किसकी हेल्प से कुछ वर्ड दिए हुए हैं आपको सही वर्ड को चुनना है और ब्लैंक में भरना है नंबर वन द सन मेक्स द डैश ग्रो सूरज किसकी मदद करता है बढ़ने में बताइए ऑप्शन हैं हीट शॉर्ट ऑपोजिट स्मॉल प्लांट्स या लाइट तो करेक्ट ऑप्शन है या करेक्ट आंसर है प्लांट्स तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लांट्स पी एल ए एन टी एस प्लांट्स नंबर टू द सन गिव्स अस डैश एंड डैश सूर्य हमें क्या देता है सूरज हमें हीट देता है और लाइट देता है एल आई जी एच टी लाइट नंबर थ्री द सन लुक्स डैश बिकॉज इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम अस सूरज दूर है तो हमें कैसा दिखता है वो हमें स्मॉल दिखता है एस एम ए डबल एल स्मॉल नंबर फोर एंड फाइव यू विल डू बायर सेल्फ नाउ एक्सरसाइज सी राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं जो स्टेटमेंट सही है उसके लिए आप ट्रू लिखेंगे और जो गलत है उसके लिए आप फॉल्स लिखेंगे नंबर वन द लेंथ ऑफ द शेडो इज ऑलवेज द सेम शेडो की लेंथ हमेशा सेम रहती है एक जैसी रहती है क्या ये स्टेटमेंट सही है नो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग तो हम लिखेंगे फॉल्स नंबर टू द सन चेंजेस इट शेप्स एवरी डे लाइक मून चांद की तरह सूर्य भी रोज अपना आकार बदलता है दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग सो वी विल राइट फॉल्स फॉर इट अ शेडो कैन बी फॉर्म इन डार्क अंधेरे में बनती है बताइए आप इसको खुद सोचेंगे नंबर थ्री फोर और फाइव के आंसर आप खुद देंगे नाउ एक्सरसाइज डी राइट फाइव वेज इन विच द सन हेल्प्स अस अब आपको पांच वो काम बताने हैं या वो तरीका बताना है जिससे यह पता चले कि सूरज हमारी हेल्प करता है इट गिवस अस सूरज हमें क्या देता है इट गिवस अस हीट एंड लाइट इट ड्राइज द वो क्या सुखाता है वेट क्लॉथ गीले कपड़े इट हेल्प्स वो मदद करता है टू ग्रो प्लांट पौधों को उगने के लिए नंबर फोर एंड फाइव यू विल डू बायर सेल्फ माई डियर स्टूडेंट इन एक्सरसाइज ई यू हैव टू गिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन वंस अगेन यू विल रीड योर चैप्टर वेरी केयरफुली एंड एक्सरसाइज ई यू विल डू बायोर सेल्फ So, in this chapter, we have learnt about sun, light, and shadow. I hope you have learned so many things from this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.